इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। करुणा गो, करुणा गो, ओ करुणा, ओ करुणा। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। गाय का गोबर भी गौमूत्र की तरह ही मूल्यवान होता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। देश के मौजूदा हालात का सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जाए तो हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं इसका एहसास हो जाएगा। मरकजी हुकूमत के कायद कोरोना से बचने के लिए गैर साइंसी तरीकों का इजाद करते नज़र आ रहे हैं, तो कुछ नारों से बीमारी को भगाने की भी कोशिश की जा रही है। और गो कोरोना गो कह रहे हैं सदर हिंद, जिनकी आलमी सतह पर एक मियार, एक पहचान होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दुनिया की तस्वीर पर पानी डालकर दुनिया से ही कोरोना को भगाने का तरीका बता रहे हैं। अब मीडिया के बारे में भी क्या कहा जाए। इससे पहले मीडिया का जहनी दिवालिया, बेगैरती कभी इतनी नहीं देखी जो अब नज़र आ रही है। अक्सर यह देखा जाता था कि अंधभक्त कैंसर, कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए गौमूत्र, गोबर खाने की सलाह देते थे, पर अब न्यूज़ चैनलों से ही यह पैगाम देते दिखाई दे रहा है। मतलब हम किस कदर अंधभक्ति में लीन होकर हकीकत से किनाराकशी कर रहे हैं। दुनिया हम पर हंस रही है, थूक रही है, कुछ तो पास लिहाज रखो। लिहाजा इन्हीं के दरमियान कोरोना को लेकर जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बयानबाजी की है, इस पर विपक्ष ने भी हमला किया और खासकर कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मोदी के बयान को, हुकूमत को जहनी दिवालिया बताया। वाजह रहे कि कोरोना के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मुल्क के नाम एक पैगाम दिया था जिसमें इन्होंने थाली और ताली पीटने की बात कही थी। कोरोना से लड़ने के सरकारी पैगाम को सियासी दिवालीपन की निशानी बताते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने देश के आवाम को उसके हाल पर अज्म और पाबंदी के भरोसे छोड़ दिया है और उससे थाली और ताली पिटवाने का गैर साइंसी काम करवाना चाहते। जहां इस महामारी से लड़ने के लिए मुकाबले की बात कही तो है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन की शिद्दत की कमी और उसकी कालाबाजारी पर मोदी खामोश नजर आए। इस वबा यानी महामारी से निपटने के लिए सियासी हुकूमतों की जद्दोजहद का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इंतजामिया रेहड़ी पटरी पर रोजाना कमाने वालों और छोटे दुकानदारों पर टूट पड़ते नजर आ रहे हैं। इससे आम आवाम में दहशत का माहौल नजर आ रहा है और बाजार में अफरा तफरी फैलने और रोजमर्रा की जरूरी चीजें बाजार से गायब कर दुगने भाव में बेचने की कोशिश जारी हुई है। अगर सरकारी अस्पतालों की सफाई का ही मुआयना लिया जाए तो अंदाजा आएगा कि हम कहां खड़े हैं। जितने दावे मरकजी हुकूमत या रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं, हालात बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई देते हैं। सरकारी अस्पतालों की दवाइयां तो बाहर बेची जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि आवामी कर्फ्यू का सबसे बड़ा नुकसान आम जनता की रोजी रोटी पर होता है। रोज कमाना, रोज खाना, यही इनकी जिंदगी होती है। बाहर नहीं जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। थाले और ताली पीटने से मसले नहीं होते, भुखमरी के हालात पैदा होते हैं। छोटी तंग गलियां, झोपड़पट्टी, बेबस जिंदगियां, इनके घरों के चूल्हे कौन सुलगाएगा। केरल सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के मईशी यानी कि इकोनॉमिकल पैकेज, आर्थिक पैकेज की तर्ज पर मोदी हुकूमत को चाहिए कि वो सभी आवाम को महीने भर का राशन, बिजली और पानी मुफ्त मुहैया कराए। तभी हम इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। एक दिन का जनता कर्फ्यू क्या होगा इससे, और बाकी दिन कोई तवील मुद्दती मंसूबा नहीं, बस हर चीज़ में तमाशा होगा क्या। और ये शाम 5 बजे 5 मिनट तक थाली और ताली बजाकर क्या हासिल होगा, फिर वही नौटंकी। कौन कर रहा है देश सेवा, अब अपना पेट भरने की जुगत कर रहे हैं हर कोई। आवाम क्या बालकनी में खड़े होकर पागलों की तरह थाली पीटती रहेगी। हो गया कोरोना वायरस से निपटने का इंतजाम, इसके बाद क्या। और ये संकल्प और संयम क्या है, पहले ये बताइए कि सरकार का अज्म क्या है, क्या तैयारी है इसकी। आपने ये तो बताया ही नहीं कि सरकार के पास जनता को देने के लिए मास्क और सैनिटाइजर्स भी है या नहीं, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड का इंतजाम है या नहीं। बार बार आप 130 करोड़ देशवासी कहकर हमेशा जो है मुखातिब होते रहते हैं, पर 130 करोड़ के लिए अस्पताल में इंतजाम है आपके पास, नहीं है तो क्यों नहीं बताया देश को। विदेशों में मास्क और सैनिटाइजर बनाने के लिए हुकूमत अमीर ताजिरों से मदद ले रही है, जबकि उनके यहाँ आबादी भारत के आधे से भी कम है। आपने अब तक अंबानी, अडानी और दिगर कारोबारियों से हंगामी तौर पर मास्क और सैनिटाइजर बनाने का ऐलान किया, क्या उन्हें हुक्म दिया
कुछ नहीं किया ना, क्या सिर्फ लफाजी से कोरोना से लड़ लेंगे भारतवासी थाली और ताली बजाकर? और ये जो COVID-19 आर्थिक टास्क फोर्स क्या है, इस पर भी आपने तफसील में कुछ बताया ही नहीं। क्या कर लेगा ये रुपया और इकोनॉमी तो इससे बगैर भी जमीन सूंघती नजर आ रही है। मतलब सिर्फ लफाजी लफाजी और लफाजी, कोरोना को भी एक इवेंट में बदलने की कोशिश पीएम की जानिब से की जा रही है। जनता कर्फ्यू और 5 बजे थाली पीटो, इसके बाद कुछ पता नहीं। ये वायरस है हुजूर, नहीं जानती कि इस देश में या अनाड़ी के वतन में आपने ये तो माना कि अचानक से कोरोना के केस आसमान छूने लगते हैं कुछ ही दिनों में। शुक्र है अफसरों से इसका पता है तो लगे हाथ ये भी बता देते कि इससे निपटने के लिए भारत सरकार की क्या मनसूबाबंदी है। सच कह दिया जाए तो जिसने भी आपको ये जो तकरीर लिखकर दी है और आपने स्क्रीन पर देखकर जिसे पढ़ा है, वो आवाम और साइंस से कटा आदमी है। इसको पता ही नहीं कि कोरोना वायरस इसरो का बनाया मंगल मिशन नहीं है, जिसके फेल हो जाने पे कोई कांधे पर सर रखकर रो नहीं देगा और जय जयकार हो जाएगी। दलाल मीडिया के जरिए भाषणबाजी जुमलेबाजी से बाज आने की जरूरत है, सच्चाई का सामना करने की जरूरत है। आपके भाषण से सिर्फ अंधभक्त ही खुश हो सकते हैं। भाषणबाजी से बाहर आइए और अफसरों को हिदायत दीजिए, तब कुछ काम हो सकता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।